मारवाड़ का जोधपुर, जोधपुर का मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ म्यूजियम में यूँ तो देखा जाए तो बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसको देखने के लिए देश विदेश से और सैलानी यहाँ पे आते हैं। इन सैलानियों को जोधपुर में मेहरानगढ़ देखना क्यों पसंद है ये जानने के लिए आज राजस्थान तक की टीम जब मेहरानगढ़ पहुँची तो उन्होंने जाना कि वाकई जोधपुर का जो मेहरानगढ़ म्यूज़ियम फोर्ट और म्यूज़ियम किला जो है वो वाकई देखते बनता है कि किस तरीके से यहाँ के महाराजा राव जोधा जी ने इसका निर्माण करवाया था। लगभग 500 साल पुराना ये मेहरानगढ़ फोर्ट आज लोगों के लिए म्यूज़ियम की तरह भी खुला हुआ है। लोग इसको देखकर वाकई अभिभूत होते हैं क्योंकि नक्काशी से बना हुआ ये मेहरानगढ़ फोर्ट, इसके ऊपर देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे पुराने ज़माने की तोप लगी हुई है। और यहाँ के म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो म्यूज़ियम में आज भी राजा महाराजाओं के बहुत सारे ऐसे चीज़ें पड़ी है जो कि आम तौर पर लोगों को देखने को नहीं मिलता। युद्ध के समय की पोशाकें पड़ी हुई है और तलवारें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मेहरानगढ़ फोर्ट में पड़ी है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग जानना चाहेंगे जो कि बाहर से आए हैं कि आप कहाँ से आए हैं सर, और आज आपने मेहरानगढ़ में क्या देखा और ये मेहरानगढ़ ही क्यों पसंद आता है सर आपको? मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं मदर के साथ हूँ। तो यहाँ पे वही देखा कि राजा महाराजा जैसे पहले कैसे रहते थे और किस तरह उनका रहन सहन था, और उसके जो म्यूजियम है यहाँ का, पुरानी पोशाकें हैं उनकी, तो तोब है यहाँ पे और अंदर ही मंदिर बनवा रखा उन्होंने। चामुंडा माता का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसकी बहुत विशेषता है, क्या आपने वो देखा? हाँ, मंदिर जाके देख के आए अभी। क्या लगा आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वहाँ मंदिर, और माता जी को दर्शन करवाए वहाँ पे, और यहाँ पे देखा कि लोगों के रहने के लिए भी बहुत लंबा, जैसे उनके रूम बहुत सारे रूम बने हुए हैं, वही लगता है कि बड़े बर्तन रखे हुए हैं, जैसे सिपाही रहते होंगे वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और पहले के जो नक्काशी के उनके वस्त्र कैसे पहनते थे, इस तरह का कुछ अलग नज़ारा देखने को मिला इधर। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं नक्काशीदार बर्तनों के साथ में बात की गई। हमारे साथ में आप सर, हम जानना चाहेंगे कि मेहरानगढ़ जो फोर्ट है इसकी क्या विशेषता है, लोग बड़े दूर दराज से यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, देशी विदेशी सैलानियाँ यहाँ पे अपना शादी समारोह चाहे और बहुत सारे ओकेशंस यहाँ पे मनाते हैं, तो किस तरीके से ये फेमस है और आपने आप कहाँ से सर क्या है? फेमस तो ये पहली सबसे बड़ा पहली फोर्ट बनी हुई है, याद तो नहीं है मेरे को पूरा कि कब की है, पर इसके कहानी काफ़ी बड़ी है कि जब किला बने लगा था तो वो द्वार बनती नहीं थी, फिर एक आदमी को किसी ने बोला कि बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो एक कोई मुस्लिम था उसकी यहाँ पे बलि चढ़ी थी, अभी भी उसको पीर का उसका मंदिर है वहाँ पे, उसके बाद जाके फिर ये इसको बनाना शुरू किया गया था। बहुत ही ऊंचाई पे है ये किला, कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ऊंचाई के किलों में इसका नाम शुमार है। इतना ऊंचा बाकी इस ज़्यादा इससे बड़े राजस्थान कुतुब मीनार से ज़्यादा बड़ा मानते हैं सर इसको। अब किला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है इसलिए ऊंचा है, अदरवाइज उसका तो पहाड़ी की जो हाइट है दैट शुड नॉट बी काउंटेड इन इट ऊंचा किला। मेहरानगढ़ म्यूज़ियम की अगर हम बात करें और मेहरानगढ़ किले की अगर हम बात करें तो वाकई ये राजस्थान के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के फोर्ट में हमारे विशेष रूप से देखा जाता है, जहाँ पे कि लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी सैलानियाँ यहाँ पे आती हैं, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आते हैं और वो अपनी अपनी शादी समारोह जैसे भी यहाँ पे मनाते हैं। हमारे साथ में एक और भाई, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि सर आप कहाँ से हैं और क्या देख करके यहाँ आए? सर मैं आगरा से, यूपी से, और मैंने म्यूजियम देखा यहाँ पर, तोप भी देखी और माता जी का मंदिर, काफ़ी इंटरेस्ट। आप तो आगरा से आते हैं तो आगरा का तो ताजमहल भी बहुत फेमस है, उसके आगे इसकी तुलना किस तरीके से करें? नहीं, आगरा का वो तो अलग टाइप से है, जैसे कि उसकी अलग मानता है, इसकी अलग मानता है, ये राजस्थान में है, वो अपना यूपी में है, तो इसका कुछ चढ़ाई है चढ़ने के लिए, तो वो कुछ अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है ऊपर चढ़ना है, फिर ऊपर से नीचे ढलान में उतरते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर तोप वगैरह रखी हैं तो पुराने मॉडल को देखने के लिए अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। कि अंदर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी है शायद आपने यूज़ किया हो या नहीं, तो किस तरीके की जोधपुर में किस तरीके की चीज़ें आपको पसंद? जैसे कि मेहरान कैफ़े है अंदर, वारा कैफ़े है, काफ़ी इंटरेस्ट चीज़ लगती है उसमें, जैसे कि बर्गर वगैरह है, पिज्ज़ा है, और अंदर एक पालकी कैफ़े है, और शॉपिंग के लिए ऐसी कुछ
क्या लगा आपको फाइनली जब जोधपुर का मेहरानगढ़ किला देखा और आप वापस आए तो देख करके क्या लगा? क्योंकि आपने और भी कहीं फोर्ट देखे होंगे, उसकी तुलना अगर अपन बात की जाए तो जोधपुर का मेहरानगढ़ कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा, और राजस्थान में और किलों से बेहतर अच्छा लगा मुझे। हमारे साथ में हम बात कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ऊँट गाड़ी वाले हैं, इन्होंने कई सारे सैलानियों को अपनी ऊँट गाड़ी पे घुमाया होगा। तब किस तरह के लोग आते हैं और आके जब मेहरानगढ़ देख के जाते हैं तो किस तरह की तारीफ करके जाते हैं, आपको किस तरह की बात करके जाते हैं? ये मोर की दज की तरह बना हुआ है और ये मेहराराम जी के नाम का था, एक आदमी उसने बलि दी थी हंसते हंसते, उसके नाम पर यह मेहरानगढ़ फोर्ट नाम पर किया गया है। ये कितना पुराना मानते हैं आप इस किले को? ये करीबन 600 के अंदर है, अभी 566 कुछ है ये। आप कितने समय से यहाँ पे ऊँट गाड़ी चला रहे हैं और सैलानियों को बैठा के घुमा रहे हैं? मैं 11 सालों से यहाँ से घुमाता हूँ, 11.5 सालों से घुमाता हूँ। तो क्या मतलब जब भी सैलानी लोग आते हैं वो आपसे बात करते होंगे मेहरानगढ़ किला देखने के बाद, तो क्या महसूस करते हैं? ये बहुत खुश होते हैं और हम वहाँ पे घुमाते हैं करते हैं और हमारी धोती कुर्ता साफा पहना हुआ देखते हैं। वहाँ जैसलमेर वहाँ जाते हैं, वहाँ ऐसा धोती कुर्ता और ये ऐसा सजा हुआ नहीं होता है, इसलिए यहाँ आते हैं तो बहुत फ़ोटो भी खिंचाते हैं। वहाँ जैसलमेर में अगर घूम के भी आते हैं तो हमारे ऊँट के साथ और ये किले के साथ फ़ोटो बहुत शानदार और अच्छा आता है, इसलिए यहाँ आके खुश होके जाते हैं। वाकई मेहरानगढ़ किला तो वाकई देखने लायक है और हमारे साथ में कुछ और सैलानी है, इन लोगों से बात करना चाहेंगे। सर आप आइए कि सर आप कहाँ से आए हैं और इसका इसके बारे में क्या सुना था कि देखने आना आपको मना? सुंदर है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, व्यू काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए हम हनुमानगढ़ से यहाँ पर आए हैं। कितना मेहरानगढ़ के बारे में आपने क्या सुन रखा है, आपने अभी देख लिया है या देख? मैंने फ़ोटो काफ़ी देखी है इसकी कि यहाँ से शहर है जो बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है शहर का। बहुत सी फिल्मों में भी इसकी शूटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी फिल्मों के अंदर ये फेमस है और बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि सभी यहाँ पर आएँ और इसको ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि इसकी जो ऊँचाई है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बहुत कम किलों की इतनी ऊँचाई होगी जितनी ऊँचाई मेहरानगढ़ की है। तो ये देख करके आपको ये देखिए कितनी बड़ी ऊंचाई है, इसको देख के क्या लगा? तो पहले जब रास्ते से ही इसका फ़ैन हो गया देख कर दूर से ही, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। पहले और भी काफ़ी किले देखे हैं, ये काफ़ी सुंदर है देखने में, शहर का नज़ारा है वो सबसे अच्छा यहाँ से दिखता है। ठीक है सर, थैंक यू। आपने देखा कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं, कोई आगरा से कोई कहीं से, और इन सभी लोगों ने मेहरानगढ़ को देख करके बहुत ही पसंद किया है। नॉट केवल ये सैलानी आते हैं उन्हीं को पसंद नहीं आता, यहाँ पे हिंदुस्तान की बहुत सारी नामी गिरामी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है, टक्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग यहाँ पे हुई है और भी बहुत सारी पुरानी फिल्मों की शूट यहाँ पे हुआ है। यही शायद कारण है कि यहाँ पे आने वाले सैलानियों को मेहरानगढ़ पसंद आता है, फिल्मकारों को मेहरानगढ़ पसंद आता है और तो और यहाँ के जो जोधपुर के लोकल लोग हैं वो भी शाम के समय मेहरानगढ़ घूमने के लिए आते हैं। जोधपुर से नवीन दत्त।